से मसाइल हैं, मतलब फलसफियाना मसाइल जो हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम चीजों के आदी हो जाते हैं। जब हम चीजों के आदी हो जाते हैं तो चीजें अपनी अहमियत खो देती हैं। अब बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, मुझे बहुत सी चीजें याद आ रही हैं। मतलब एक सर आप अपना टाइम लें, सर सर टाइम लें आप। सर बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो पूरा दिन आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा बस मैं थोड़ी सी बात जो करना चाह रहा हूँ, वो तो मैं ये कह रहा था कि हम जो चीजों के आदी हो जाते हैं, उस आदी हो जाने की वजह से चीजें अपने इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से महरूम हो जाते हैं कि हमें वो समझ नहीं आता। वो जो हजरत अली का कौल मैं बयान कर रहा था बुनियादी तौर पर, उसी की तरफ मैं मतलब जाता हूँ। सिर्फ मैं ये बता रहा था कि एक जर्मन शायर है, जर्मन शायर ने किसी को मशवरा दिया था, उसने उससे पूछा, अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये ना हो तो मैं जर्मन शायर की तरफ निकल जाऊं। उसने पूछा भाई शायरी करने के लिए मैं चीजों को कैसे देखा करूं, मसलन मैं आसमान को कैसे देखूं, मैं जमीन को कैसे देखूं। फुतरत साहब ये बड़ी खूबसूरत बात उसने कही। तो रिल्के ने, रेनर मारिया रिल्के जो है, उसने उनको जो जवाब दिया वो क्या खूबसूरत जवाब। उसने कहा कि किसी चीज को ऐसे देखो जैसे पहले इंसान ने जमीन पर उतरने के बाद उस चीज को देखा होगा। आप ये अंदाजा कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम या कोई पहला आदमी जो जमीन पे आया होगा, उसने बरगद का जो सबसे पहला दरख्त देखा होगा, बहुत बड़ा सा, 4-5 मंजिलों के बराबर, और उसका घेर और उसका मुहित और उसके साया और उसका रोब और उसका तंतना और उसकी शिकोर, उसका दबदबा, वो सारी चीजें, और उसका शाम के वक्त, उसका ढलते साए के वक्त, उसका उसका एक आसेबी सा मंजर। तो उसने खुदा जाने दरख्त को देखकर 6,000 किस्म की क्या तशरीहात की होंगी। तो उस आदमी ने दरख्त को जितने मानी दिए होंगे, वो आज मैं और आप चाह के भी नहीं देख पाते, क्योंकि हम दरख्त को देखने के आदि हो गए। हमारे रास्ते में 6,000 दरख्त आते हैं, हम उनको उस हैरत से देखे बगैर गुजर जाते हैं। तो इंसान का बहुत बड़ा मसला ये है कि इंसान हैरत खो देता है। और ये याद रखिए कि 1400 साल पहले हजरत अली से किसी ने इल्म के बारे में पूछा था, तो उन्होंने फरमाया था कि इल्म सिर्फ उसको मिल सकता है जो अपनी हैरत नहीं खोता, उन चीजों के बारे में भी जो रोजमर्रा की बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना। तो ये बात बुनियादी तौर पर मैं हजरत अली का जो कौल आपके सामने बयान कर रहा था, वो एक खास वजह से बयान कर रहा हूँ, जो रूमी की तरफ आऊंगा। हज़रत अली ने फरमाया था कि इंसान की इबरत के लिए काफी है कि वो गोश्त से बोलता है और चर्बी से देखता है और हड्डी के जरिए सुनता है। ये रोजमर्रा की हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो रूमी ने जो मसनवी शुरू किया वो भी आपको एक हैरत पर वापस ला कर की है। मसलन आप लोगों ने अपनी गली मोहल्लों में रोज देखा होगा कोई बांसुरी वाला गुजर रहा होता है, अगर नहीं देखा होगा तो टीवी पे देखा होगा लोग बांसुरी बजा रहे होते हैं, ठीक है। तो बांसुरी क्या है? सिर्फ एक लकड़ी है सूखी हुई, लकड़ी से बढ़कर तो कुछ नहीं है, एक गोल तरह की लकड़ी है जिसको दरमियान में से खाली कर लिया गया है और उसके एक आध तरफ सुराख बना दिया गया है और दूसरी तरफ मतलब उसका रास्ता खुला छोड़ा गया है। तो उसमें आप अपनी फूंक मारते हैं, यानी आपकी फूंक भी इटसेल्फ कोई नई चीज नहीं है और लकड़ी भी इटसेल्फ कोई नई चीज नहीं है कि जिसको देखकर बहुत बड़ी हैरत हो। तो लेकिन दो इंतहाई आम चीजों के दरमियान जब आपकी फूंक उस बांसुरी के अंदर से गुजरती है तो दर्द के नगमे फूटना शुरू हो जाते हैं, ऐसा है या नहीं? वो कहां से आते हैं? यानी चूंकि हम उसको सुनने के आदि हो गए हैं तो वो आदि हो जाने ने हमारी हैरत खत्म कर दी है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि किसी बच्चे के हाथ बांसुरी लगे तो वो आपको बजाता देखेगा तो वो कहेगा कि मेरे भाई जान या अब्बा जान क्या करें, एक तरफ बस इन्होंने मुंह रखा हुआ और ये कुछ सांस सा इसके अंदर डालते हैं और अजीब उंगलियों को फेरते हैं तो तरह तरह की आवाजें निकलना शुरू हो जाती हैं। कोई खुशी वाली आवाज है, कोई गमगीन आवाज है, कोई डिप्रेशन है, कोई आपके दर्द को दूर करती है, कुछ क्या। तो एक उस लकड़ी के अंदर क्या ऐसी चीज है जो मतलब इस हद तक आपके लिए नई चीजें पैदा कर रही है। अब रूमी चूंकि बहुत बड़ा आदमी है और उसे पता है कि ये मसनवी जो है वो किस दर्जे की चीज है जिसने रहती दुनिया तक यकीनन दुनिया की बहुत सी जबानों में लोगों के दिलों को टच करना है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ही बहुत कमाल है। यानी चूंकि सूफिया के यहाँ बांसुरी और मौसीकी और समा जो है उसकी बहुत रवायत थी, तो वो ये पूछता है कि यार ये जो बांसुरी बज रही है, ये जो दर्द की आवाज आ रही है, ये जो लय है, ये क्या है? कभी इस पर गौर करो।
तो वो कहता है कि ये ना तो आपकी फूंक की करामत है, ना उस खाली लकड़ी की करामत है, बल्कि ये बांसुरी जिस बांस के दरख्त से इसकी शाख को तोड़कर इसको बांसुरी बनाया गया है, यानी बांसुरी की बुनियाद क्या थी, जड़ क्या थी, वो दरख्त थी, दरख्त था, दरख्त यानी पूरा दरख्त था जिसमें से एक शाख तोड़कर बांसुरी बनाई गई, तो बांसुरी अपने असल से कट गई है, कट गई है, यानी उसका असल क्या था, उसकी असल रूट थी वो दरख्त, आपने उससे काट कर उसको बांसुरी बना दिया, लिहाजा आप जब भी उसको बजाएंगे तो उसमें से दर्द के नगमे फूटेंगे, रोने की आवाजें उसमें से आएंगी। तो रूमी कहता है कि हर वो कायनात की चीज जो अपनी रूट से टूट गई है, अपनी रूट से अलहदा हो गई है, उसके अंदर से खुशी की आवाजें नहीं आएंगी, उसके अंदर से दर्द के नगमे ही फूटेंगे, वो रोएगा ही, उसके आंखों में आंसू होंगे उस वक्त तक जबकि वो अपनी असल के साथ जाकर वापस ना जुड़ जाए। मतलब इंसान वो कहते हैं कुल उसी बांसुरी की तरह है जो फुतरत के, वो बुनियादी तौर पर बेचैनी जो है वो इसलिए है कि आप अपने असल से कटे हुए हैं। ये याद रखें कि आजकल जिस दौर में हम जिंदा हैं, इसमें आप देखेंगे हर आदमी कुछ ना कुछ बेचैन है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा मुतमैन है, तो बहरहाल फिर भी इत्मीनान होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बेचैनी रखी गई है। और वो बेचैनी क्यों रखी गई है कि बेचैनी जिंदगी का खमीर है, यानी बेचैनी के बगैर जिंदगी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जिस जात ने तखलीक किया है उसने अपनी अपना नूर आपके अंदर फूंका है, इस वक्त आप उस नूर से अलहदा हैं, बिल्कुल उस बांसुरी की तरह जो अपने दरख्त से अलहदा है, और वो चीखती है और वो रोती है, और उसके हर नगमे में अपने असल से दोबारा जुड़ जाने का इजहार होता है कि वो वक्त कब आएगा। चूंकि आप बुनियादी तौर पर उस नूर से हटे हुए हैं, अलहदा हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, जो अलस्तो रब्बिकुम कालू बला वाले पहले दिन अलस्तो रब्बिकुम वाले दिन था, तो लिहाजा आप बुनियादी तौर पर अपने असल से चूंकि कट चुके हैं, तो लिहाजा हर इंसान के अंदर एक दर्द है, एक कैफियत है। इस सिलसिले में हजरत अली का एक दोबारा कॉल मुझे बहुत खूबसूरत याद आ रहा है, चूंकि बाबुल इल्म हैं तो उनसे किसी ने पूछा जिंदगी के मसायब को दूर करने के लिए हल, तो उन्होंने फरमाया है, और कैसी खूबसूरत बात है, उन्होंने फरमाया है कि जिंदगी को चाहे आप मुतवाजन रखने के लिए जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी ताकत लगा लें कि जिंदगी में मुकम्मल सुकून आ जाए, मुकम्मल तवाजुन आ जाए, रोज किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो अली ने फरमाया है कि दुनिया वालों पर बदबख्ती, अफलास और गम को लाजिम कर दिया गया है, यानी लाजिम है कि ये चीजें उनके साथ जुड़ के रहेंगी। आप जितनी मर्जी अच्छी जिंदगी गुजारें, कहीं ना कहीं बेइत्मीनानी होगी, कहीं ना कहीं बेकरारी होगी, और वो बेइत्मीनानी बेकरारी दुनियावी मसलों से हटकर जिन मसलों से होती है, वो ये है कि इंसान के अंदर एक इंतहाई ये एहसास है कि वो जिस जगह है यहाँ पर वो मुकम्मल नहीं है, यानी इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ परफेक्शन ना होने की वजह से एक बेचैनी, बेकरारी, मुसलसल उदासी, इज़्तिरारी कैफियात जो है वो पैदा होती है। तो यहाँ से रूमी ने अपनी मसनवी का आगाज किया है कि हर वो आदमी जो अपनी असल से कटा हुआ है, ये मसनवी उसके लिए उसके दर्द का मदावा है, यानी ये उसको शिफा पहुंचाएगी जो अपनी असल से कटा हुआ है, और ये उसको बताएगी कि अपनी असल से कटे हुए आदमी को अपनी असल तक पहुंचने का क्या तरीका कार हो सकता है। अब ये 2600-2700 शेर बुनियादी तौर पर बुनियादी इनका थीम, चाहे जो मर्जी वाकया बीच में बयान हो रहा हो, तो थीम बुनियादी तौर पर यह है कि जो हमारी सारी जिंदगी की बेचैनी है, हमारी जिंदगी के सारे दुख हैं, हमारी जिंदगी के सारे फलसफे हैं, हमारे एहसास हैं, हमारे गुस्सा है, हमारी मोहब्बत है, हमारा इश्क है, कुछ भी है, इन सारी चीजों में जज्बात के अंदर एक इम्परफेक्शननेस है, एक गैर कामलियत की कैफियत है, गैर कामिल होने का एहसास है। तो वो गैर कामिल होने का एहसास क्यों है और उसकी वजह क्या है, रूमी की ये जो मसनवी है ये बुनियादी तौर पर इसका थीम ये है। और जो मैंने पहले आज आपके साथ गुफ्तगू करते हुए बात कही कि आज दुनिया में 2000 से लेके 2020 तक जो है वो रूमी सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़े जाने वाला आथर बन चुका है,
और मेरा अपना ईमान ये है कि इंसान जितना जितना आगे जाएगा उतना उतना रूमी को पढ़ने वाले ज्यादा होते जाएंगे। उसकी क्या वजह है कि आप डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। औरों की क्या बात करूं, मैं अपनी बात बहुत सफाई से बताता हूं कि मैं रूमी को उन दिनों में ज्यादा पढ़ता हूं जिन दिनों में मैं बहुत गमगीन और दुखी होता हूं अपनी जिंदगी से। तो उन दिनों जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो मतलब उस रूट के अंदर से उसकी आवाज निकल रही है जहां पर मुझे होना चाहिए। तो अक्सर वक्त में हर चीज से बेजार हो जाता हूँ, मतलब इधर के अरबी लिटरेचर के, अंग्रेजी इधर उधर। तो रूमी को पढ़ते हुए वायरल मुझे एहसास होता है कि इस शख्स का नगमा, इस शख्स की आवाज, इस शख्स की जिंदगी और इस शख्स का इश्क जो है वो कभी भी लायानी नहीं हो सकता। मतलब रूमी को पढ़ते हुए ये अर्ज इतनी स्ट्रांग होती है कि आप किसी तबके से हों, जिंदगी के किसी मजहब से हों, किसी मसलक से हों, किसी फिरके से हों, इससे बढ़कर इसकी क्या मिसाल हो सकती है कि रूमी जो है वो खासुल खास सुन्नी है। आप जानते हैं अहले सुन्नत में से था, लेकिन ईरान में उसको जो तकरीम मिली है और ईरानी उसको जिस शौक से पढ़ते हैं, आपकी सोच है, यानी ईरान में चार शायरों के बारे में कहा जाता है कि उनसे ज्यादा शोहरत किसी को हासिल नहीं हुई, जिसमें रूमी है, फिरदौसी है, हाफिज है और सादी है। यानी इन चारों से ज्यादा कहा जाता है कि ईरानियों में फारसी में इन चारों से बड़े ज्यादा पढ़े जाने वाले शायर नहीं पैदा, और इन चारों में से भी अगर एक सिलेक्ट करें तो वो रूमी सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो रूमी जो है वो जगह जगह पर हालांकि इख्तलाफी शख्सियात की गुफ्तगू भी करता है, जो मतलब वो गुफ्तगू कह रहा हूँ जो शिया सुन्नी के दरमियान अक्सर अगर आप और हम कर रहे हो उन शख्सियात पर, तो अगला आदमी मुंह बिसोर लेगा। लेकिन रूमी को पढ़ने वाले वो सारी चीजें जो हैं उनसे बिल्कुल रुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि उनका बुनियादी एसेंस जो होता है वो जिंदगी का इश्क है। कोई शख्सियत नहीं है रूमी के यहाँ, रूमी के यहाँ असल हस्ती जो है वो ये है कि आपकी जिंदगी को कैसे ठीक करना है। उसके लिए कोई एक शख्सियत कामिल जो है वो एक पर जोर नहीं देगा, मतलब वो उसके लिए कामिल शख्सियत रसूल को रखता है और उसके बाद हर चीज को जो है वो इसके दायरे में शामिल करता जाता है। और दिलचस्प बात ये, बोर बिल्कुल नहीं करती मसनवी, क्योंकि मसनवी के अंदर एक, जिस तरह अभी इस वक्त मैं आप सारों को बोर कर रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि अमूमी तौर पर मैं इस तरह नहीं पढ़ाता, बहुत ज्यादा खुश होकर दरमियान में कोई ना कोई चुटकुले सुनाता रहता हूँ। नहीं जब सर, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। आप करें ना सर, बस दरमियान में कोई तुर्कों पर मीर का कोई शेर एक आध सुना दिया। अच्छा आप, मैं ये दिलचस्प बात चले आपने पूछ ली, तो रूमी के हाँ तो इश्क पर और खसूसन वो इश्क जो बड़ा ममनू है, लड़का लड़की का इश्क है, कहीं कहीं लड़कों लड़कों का। सर मैंने पूछने की बात, जी 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 जी, आप प्लीज मुझे जो नहीं समझ आ रहे अपना नाम भी बता दिए करें। नहीं सर, यूसुफ हूँ। ओ यूसुफ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पूछना था कि जी बिल्कुल, आप ये जो कह रहे थे कि जब इंसान कमी महसूस करता है तब ही रोता है, लेकिन आप अगर इन्हीं की तारीख पढ़ें तो ये जब असल से जुड़ते नजर आते हैं तब भी बहुत ज्यादा रोते हैं। सूफिया की और ऊपर तक जो सूफिया के बानी जिन्हें कहा जाता है हजरत अली को, उनकी भी कैफियत यही होती है। इसके अलावा आपने एक बात की, उस पर भी आप खुद वो बात कीजिएगा, मौलाना वहीदो जमान साहब का एक जुमला है, कहते हैं कि जो आप कह रहे थे ना कि इस दुनिया में इंसान सब कुछ खोता ही है, वो मिलता नहीं है, तो उसने कहा कि जिस दुनिया में इंसान के पास खोने के अलावा कुछ हो ही ना, तो वहां पे सिर्फ वही फलसफा जीत सकता है जो खोने में पानी के तरीका बताए। हाँ ठीक है, आपने जो है वो दो बातें की हैं, एक तो ये की है कि मतलब सूफिया का जो ग्रोह है जिनके इमाम, जिनकी तरफ आपने इशारा भी किया, मतलब वो जब हुजूरी की कैफियत में होते हैं तो उस वक्त भी रोते हैं, ये आपने पूछा। यानी एक तो है कि जुदाई की कैफियत है, उस वक्त तो रोना बन रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। एक ये कि जब हुजूरी की कैफियत है, देखें आप ये समझिए कि जूं जूं आप हुजूरी के करीब जाते हैं तू तू रोना ज्यादा होता जाता है। ये इस बात को वो आदमी समझेगा जो 40 साल अपने घर से दूर रहा हो और अपने घर को याद करके रोता रहा हो, और 40 साल बाद जहाज पर बैठकर पाकिस्तान आ गया हो, और जूं ही वो पाकिस्तान में लाहौर में उतरेगा, बेशक फर्ज कर ले उसका अपना गांव फैसलाबाद में है कहीं, तो पाकिस्तान की जमीन, हालांकि वो तो बाहर से अमेरिका से तो बहुत करीब आ गया, अब तो पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया उसका जहाज,
अब उसका रोना क्या बढ़ नहीं जाएगा, अब उसकी कैफियत, अब उसके सीने का जो मधु जजर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दो तरह का रोना है, एक रोना है दूर होने का, दूर होने का, एक रोना है करीब होने का। और वो करीब हो के रोना ये है कि अब इस कुर्बत पर एहसास हुआ है कि मैं कितना दूर था। ये अगर आप बात समझ पा रहे हो यूसुफ। जी जी सर, मैं समझ रहा हूँ, खामोशी से सुन रहा हूँ। हाँ, और फिर एक और दिलचस्प बात ये है कि मुकम्मल तो दूरी खत्म नहीं की जा सकती, इसीलिए तो आप मुकम्मल दूरी खत्म करने का एक ही तरीका है कि आपको हर हाल में ये खाक छोड़नी पड़ती है। मतलब ये क्या दिलचस्प बात है कि मौत को, मौत के लिए जो लफ्ज रखा गया वो विसाल का है, विसाल, तो विसाल का तो लफ्जी मतलब ही मिलना है, यानी मिलने का एक ही तरीका है और वो है कि यहाँ से छोड़ना। मतलब जब तक आपके पांव के साथ खाक, दुनियावी दुनियावी मतलब खाक लगी हुई है, तो वो बेशक जितनी थोड़ी मर्जी हो वो आपको मुकम्मल उस रूह के अंदर जज्ब ना होने देगी जो कायनात पूरी में जारी हो सारी है। ठीक है ना? मतलब आप दुनिया को छोड़े बगैर कामिल उस हालत में नहीं जा सकते। अब खैर ये तो सुफियाना बहसे हैं। जी जी, एक दफा एक मौलाना से काफी समझदार थे और फलसफे, मैंने इनसे पूछा था कि क्या रसूल अकरम इश्क कामिल की मंजिल तक पहुंचे हैं? उन्होंने कहा जी पहुंचे हैं। तो मैंने कहा कि इश्क कामिल की मंजिल तक खुद पहुंचने के लिए भी वो कमाल चाहिए, वो ही जानने का, किसी को पहचानने का, यानी जिस खुद खुदा को, और उतना तो वो कहते हैं मैं पहचान नहीं पाया। तो कमाल इश्क तो शायद मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इंसानी जितनी ताकत है वहां तक तो मुमकिन है, शायद ये चीज है जो रुलाती हो इंसान। हाँ ये है। अब ये चूंकि बारीक पैसे हैं, आप बुनियादी तौर पे मंतिक के आदमी हैं, यूसुफ फलसफी हैं, तो अगर इन बारीक पैसों में पढ़ा जाए तो मतलब जो है मैं, हाँ हाँ, मतलब ये है कि शायद हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं भी मसनवी में बहुत से मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर फलसफियाना बहसें की गई हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उन मुकामात से ज्यादा अहम आज के इंसान के लिए वो मुकामात हैं जो बराह रास्त आजकल के प्रॉब्लम्स को डील करते हुए आपको हल बताते हैं। चूंकि बाज़ औक़ात हम मसलों पर इस तरह से सोचते हैं कि असल मसला गुम हो जाता है और दूसरे बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो मसले पर सोचते हुए हमें ये देखना चाहिए कि मतलब असल कहीं हम बिल्कुल असल बात से हट नहीं रहे। तो ये तो जो है वो आज कुछ बातें थी जो मसनवी के हवाले से की हैं। अच्छा, तो जो मैं बात कह रहा था आप सारों को कि मसनवी, असल मसनवी इंतहाई दिलचस्प है। उसमें शहजादियों के किस्से हैं, कनीजों के किस्से हैं, तोतियों के किस्से हैं, खूबसूरत लड़कों के किस्से हैं, सौदागरों के किस्से हैं, सरजमीनों के किस्से हैं, परियों के किस्से हैं, यानी कहीं भी बोर होने के लिए कोई जरा भी मुकाम नहीं है। लेकिन चूंकि आज हमने ऐसी बातें की जो इंतहाई इब्तदाई थी, तो मुझे कुछ ऐसी बातें करना पड़ी जो शायद बोर भी हों। अब मैं, मेरा तरीका कार ये रहा है मसनवी का कि मैं जब भी इसको पढ़ता रहा हूँ, चूंकि मुझे लगता है हमारे एक उस्ताद हैं खुर्शीद रिजवी साहब, आप जानते हैं अरबी के बहुत बड़े माहिर आदमी है, तो वो मुझे जब भी मिलते हैं और मैं कहता हूँ कि मसनवी को मुकम्मल पढ़ना बहुत मुश्किल है भाई, इतना वक्त कहाँ आए, तो वो मुझे एक नसीहत करते हैं भाई तुम मसनवी को बस एक ही अपना हदफ सामने रखो कि मसनवी को पूरी जिंदगी में कम अज कम एक बार पढ़ लेना है, पूरी मसनवी को, यानी उसकी छह की छह जिल्दों को, उसके जो 3000 शेर है फारसी में और उनको यकीनन समझना भी पड़ता है, तो एक बार जिंदगी में आपने पूरी मसनवी को पढ़ देना है। तो मैं तो बुनियादी तौर पर उस तरीके पर कारबंद आदमी हूँ। 3 जिल्दें जो हैं वो बहरहाल मैं पढ़ चुका हूँ, और यानी जो मुकम्मल हैं उसकी उर्दू समेत, और मतलब यानी ये समझ कर कि वो क्या, और पहली जिल्द जो है उसको 2 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैं बुनियादी तौर पर, मेरा पढ़ने का तरीका कार ये रहा है मसनवी को, चूंकि मुझे ये एहसास होता है कि शायद इतनी लंबी चौड़ी चीज दोबारा पढ़ने का वक्त मिले या ना मिले, तो मैं हमेशा मसनवी के जो नुस्खे मेरे पास, जो 6 जिल्दें हैं अलहदा से तो छोटी छोटी, उनको मैं हाईलाइटर ही के साथ पढ़ता रहा हूँ, यानी जो चीजें मुझे बहुत हिट करती हैं उनको मैं हाईलाइटर के साथ अलहदा कर देता हूँ। तो इस तरह के कुछ पहली जिल्द और दूसरी और तीसरी, इस तरह के कुछ जिल्दें जो हैं उनमें कुछ निशान जद किए हुए अशआर हैं, इंतहाई दिलचस्प चीजें हैं, कुछ किस्से हैं बड़े खूबसूरत। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब ये हम, इसको क्या कहना चाहिए, मतलब ये हम बात रखेंगे, बहुत इब्तदाई बातें जो हो रही हैं यकीनन रूमी के बारे में, तो वो मैं आपके साथ डायरेक्ट वो चीजें शेयर करूंगा कि रूमी जो है वो कैसी बातें करता है।
अब मतलब बाज औकात एक एक मिसरे में जो है वो ऐसी ऐसी बात हो जाती है कि आप उसको समझते फिरें। मतलब आप ये समझ देख लीजिए कि लैला मजनू का किस्सा एक जगह बयान हो रहा है रूमी के हाँ ठीक है, और मजनू मर जाता है, मजनू हम जानते हैं कि पहले मर गया था और लैला बाकी रह गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वाकया सच्चा है, कुछ लोग कहते हैं झूठा है, ज्यादा लोग जो कहते हैं कि वाकया सच्चा है, और ये वाकया अक्सर लोग कहते हैं हजरत इमाम हसन अस्करी जो हैं उनके दौर का वाकया, और उस वक्त के खिलाफत जो चल रही थी आप जानते हैं बनू उमैया की थी, उस दौर में खलीफा ने बाकायदा लैला को भिजवाया था कि वो मुझे मिलने आए ताकि मैं उससे बात करूं कि ये जो हमारा बनू आमिर का शहजादा फौत हुआ है वो ऐसी क्या चीज है लैला जिसके पीछे वो शहजादा फौत हो गया। और आप जानते हैं लैला बहुत काली सी थी, तो वो लैला आई। मैं आपको ये सिर्फ एक मिसरे की ताकत बताना चाह रहा हूँ जो रूमी के हाँ है, और एक मिसरे से बाज औकात वो कितनी बड़ी बात कहते हैं, पूरे शेर की नहीं सिर्फ एक मिसरा छोटा सा जो है। तो वो लैला जब उनके पास आई तो लैला को उन्होंने देखा और वो देख कर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू में फारसी में उससे कहते हैं भाई दुनिया में जितने खूबसूरत लोग और महबूब और हसीनाएं मौजूद हैं तू उनसे बढ़कर तो कोई चीज नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको देखकर आदमी का पित्ता पानी हो जाए यानी, और मजनू मर ही गया सूख कर बेदे मजनू बन गया। तो वहां पर लैला खलीफा को एक मिसरे में जवाब देती है, सिर्फ एक मिसरे में, और वो मिसरा ऐसा है कि जिसकी शरह आप करना चाहें तो फैला के आप उस पर किताबें लिख मारें। और वो कहती है गुफ्त, यानी उसने कहा गुफ्त खामोश कुन छु मजनू नीस्ती, चुप हो जा खलीफा को कहती है क्योंकि तू मजनू नहीं है, यानी तू मजनू नहीं है तो तू कैसे जान सकता है कि लैला क्या है। मतलब लैला के जो फजाइल हैं या लैला की जो अहमियत है या लैला क्या है कायनात में, क्या चीज है लैला, और लैला का फलसफा क्या है और इश्क क्या है, और लैला के जिस्म के जरिए और उसके ख्याल के जरिए कौन कौन से मतलब सितारों पर कमंदे डाली जा सकती हैं। तू तमाम तर बड़ाई खलीफा होने के बावजूद इल्म होने के बावजूद इसलिए चुप हो जा कि तू मजनू नहीं है, चूंकि तू मजनू नहीं है लिहाजा कोई लैला का एक बात, अब दे एक इतनी छोटी लाइन है गुफ्त खामोश कुन चू मजनू निस्ती, और उसने जो कहा कि खामोश हो जा उसके अंदर कैसी तंबी है, जिस तरह बाज़ औक़ात आप कहते चुप हो जा तुम्हें नहीं पता। तो बाज मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे वाक्यात हैं और ऐसे ऐसे उसके अशआर हैं और ऐसे ऐसे मिसरे हैं कि एक मिसरा पढ़ के आपके ऊपर झुरझुरी तारी हो जाती है कि यार ये क्या बात कर रहा है। मसलन मैं एक वाक्य बयान करता हूँ, रूमी ने सारे खुलफा का वाक्य बहुत बयान किया है ठीक है ना, मतलब कहीं पे हज़रत अबू बकर का भी जिक्र बहुत है, हज़रत उमर का जिक्र है, हज़रत उस्मान का, हज़रत अली का बहुत ज्यादा जिक्र है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत जिक्र है ठीक है, जाफर सादिक की बहुत सी रवायत, मतलब सारी रवायतों को बयान करता है। एक वाक्या जो मैं बयान कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं वाक्या किसी इख्तलाफी सूरत के बगैर, सिर्फ वो कि रूमी मतलब ज़हनी सतह पे चीजों को कहाँ पर जाकर देखता है, तो वो आपको समझ आएगा कि वो वाक्या बयान करता है खलीफा दुवम हजरत उमर के दौर का वाक्या है कि उस जमाने में जो ईद का चांद है वो पहाड़ पर चढ़कर देखा जाता है और सारे लोग ईद का चांद देखते हैं कि ईद का चांद नजर आ जाए। तो ये सूरत आल हमारे यहाँ भी चूंकि इस बार भी थी और हर बार होती है, तो आपको जो है मतलब ये बात समझने में आसानी होगी कि वो सारे साहबी हैं या जो ताबी हैं या उस वक्त के जो लोग हैं वो पहाड़ पर चढ़े हुए हैं और मदीना का पहाड़ है जिस पर चढ़कर चांद देख रहे हैं, और चांद किसी को नजर नहीं आ रहा बशमूल खलीफा के, तुम्हार के भी चांद नजर नहीं आ रहा। इतने में एक साहबी हैं जो ये दावा करते हैं कि मुझे चांद नजर आ गया ठीक है। अब सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं कि चांद किधर है यानी जो तुम्हें नजर आया है, तो वो बार बार हजरत उमर को दिखाता है वो चांद है। अब जरा इस वाक्य को बहुत गौर से सुनिए कि वो चांद है वो आसमान की तरफ इशारा करते हैं, तो हजरत उमर कहते हैं भाई मुझे चांद नजर नहीं आ रहा, तुम कौन सा चांद देख रहे हो, वो लोगों को दिखाते हैं लोग कहते हैं चांद नजर नहीं आ रहा। अब वो आजिज आ जाते हैं कि वो चांद जो मेरे लिए तो बहुत सामने है लोग उसको आसमान पे नहीं देख पा रहे, तो उनको वहां पर एक साहबी मशवरा देते हैं कि जाओ और तुम इस तरह करो कि अपने दोनों हाथ जो है वो गीले करो किसी हौज में, दोनों हाथों को गीला करके दोनों हाथ अपनी आंख के ऊपर फेरो यानी आंखों के ऊपर अपने गीले हाथ फेरो। वो खैर जाते हैं वो साहबी जो चांद देखने का दावा कर रहे हैं और अपने हाथों को गीला करके अपनी आंखों पर फेरते हैं, जब तो वो गीला करके आंखों को फेरते हैं, अब वो साहबी कहते हैं कि अब देखो अब भी चांद नजर आ रहा है, तो वो कहते हैं अब चांद नजर नहीं आ रहा, ये अब वाक्य है। इसके बाद वो रूमी की शरह देखें, रूमी उस पर इंटरप्रेट करता है, वो कहते हैं
چونکہ اس کو چاند اس صحابی کو یا اس آدمی کو چاند دکھائی دینے کا دھوکا ہو رہا تھا ایک وجہ سے, اور وہ وجہ کیا تھی کہ اس کی آنکھ پر ایک پلک آئی ہوئی تھی, پلک یعنی آپ کی جو گری مطلب آنکھ کی اوپر والی پلک گر کر نیچے آئی ہوئی تھی. اب چونکہ آنکھ پہ پلک سامنے آئی ہوئی تھی, اور جو لوگ شاعری تھوڑی بہت سمجھتے ہیں فطرہ صاحب سے یا باقی لوگ جو عابد بھی شاید آن لائن ہے جو شاعری, مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو پلک ہوتی ہے ہماری وہ بالکل پہلی کے چاند کی طرح ہوتی ہے کرو اور اسی طرح باریک, یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی سر. تو اب ذرا دیکھیں رومی کدھر پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو پلک تمہاری آنکھ پر آئی ہوئی تھی, اچھا ویسے سائنٹیفکلی آگے جو جواب دیتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے ہیں, وہ کہتا ہے کہ وہ پلک جسم کے سب سے حقیر حصوں میں سے ایک ہے. حقیر کیوں ہے؟ کہ اگر کسی آدمی کی پلکیں نہ بھی ہوں تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, نعوذ باللہ اگر آنکھیں نہ ہوں پھر تو مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی تمہاری جسم کی حقیر ترین چیز کیا ہے؟ پلک. وہ پلک اگر ٹیڑی ہو جائے, کجی آ جائے اس میں, اب ذرا دیکھ لیں کیا بات کر رہا ہے. یعنی ایک پلک جس کی کوئی بکت نہیں ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جو حقیر ہے جسم کے حصوں میں سے, وہ بھی اگر آپ کے ساتھ ٹیڑی ہو جائے, آپ کے جسم کا ایک حقیر حصہ بھی ٹیڑا ہو جائے, تو وہ آپ کو آسمان تک گمراہ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کا دل ٹیڑا ہو گیا تو آپ کدھر پہنچیں گے؟ تو اب آپ دیکھیں مطلب, یعنی جب وہ اچھا پھر آگے جا کر اس فلسفے پہ بات کرتا ہے کہ ٹیڑھ پن انسان کے جو دل کا ہوتا ہے وہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے اور ٹیڑھ پن کیا چیز ہے, تو آپ اسے پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ عین جو ہے یہ مجھ سے مخاطب ہے, کوئی اور بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا. یعنی رومی کی کمال یہ ہے کہ مثنوی پڑھتے ہوئے 100% احساس ہوتا ہے کہ مثنوی صرف ارسلان راٹھور کے لیے لکھی گئی ہے, مثنوی صرف عابد کے لیے لکھی گئی ہے, اسد وزیر کے لیے لکھی گئی ہے, ارسلان امین کے لیے لکھی گئی ہے, فطرس کے لیے, دیوان کے لیے, جن کے نام مجھے نہیں یاد, معذرت خواہ. یعنی مثنوی پڑھتے ہوئے یہ احساس بہت ہوتا ہے کہ یہ 100% آپ کے ہی مسائل پر ہے. تو یہ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے جس میں سے مطلب اس کے واقعات ہیں اور اس کے اندر جو تمثیلیں ہیں مزے مزے کی, جو جانور آپس میں گفتگویں کر رہے ہیں اور جو سوداگر ہیں اور سفر ہو رہے ہیں اور جو داستانیں ہیں, تو اس میں سے کچھ جو ایسے مزے کے حصے ہوں گے جو اب تک میں پڑھ چکا ہوں اور وہ میں جس کو میں نے نشان زد کیا ہوا ہے, ان کو میں چاہوں گا کہ وقتاً فوقتاً جب بھی ہمیں کوئی ٹائم ملے, چونکہ مخصوص اس طرح کی کلاس تو ہے نہیں کہ وقت طے ہے, بہرحال اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کروں گا, کچھ آپ میرے ساتھ ڈیل کیجیے گا. تو یہ جناب آج کی وہ تھوڑی سی انتہائی بے ربط سی گفتگو تھی جو بڑے عرصے بعد میں نے کی. یقیناً مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں پڑھانے کا جو ملکہ ہے ہمارا وہ بھی کم ہو گیا ہے, چونکہ کوئی بندہ آس پاس نہیں ہے. تو وہ بہرحال جناب میں نے آپ ساروں کے ساتھ کی, اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ 7-8 لوگ میسر ہیں رومی کے نام پر, اور مجھ پہاڑی آدمی کی گفتگو جو ہے وہ سننے کے بھی راضی ہیں. بہت شکریہ سر. ایک دو باتیں پوچھنی تھی آپ سے. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا. سر ایک تو میرے